हेलो दोस्तों, 2003 2003 के अंदर एक मूवी आई थी जिसका नाम था सैंड्स एंड सोल्जर। अब ये मूवी कैसी है, इस मूवी के ऊपर आप लोगों को अपना कीमती वक्त देना चाहिए भी या नहीं, यही सारी बातें डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। लेकिन मूवी की रिव्यू को स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, और रिक्वेस्ट ये कि दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि मैं लाता हूं आप लोगों के लिए रोज़ाना इसी तरीके से हॉलीवुड की मूवी जब हिंदी डब में आ जाती है तो उसकी रिव्यू। तो ये दोस्तों आपको ये मूवी भी इजीली अब हिंदी डब के अंदर देखने के लिए मिल जाएगी। तो चलें दोस्तों अब चलते हैं इस मूवी की रिव्यू की तरफ। दोस्तों अगर आप लोगों को एक ट्रू बेस्ड एक रियल स्टोरी देखने की शौकीन है कि यार असली घटना पर घटी जो कहानी है उसके ऊपर एक फिल्म बनी, तो ये मूवी उसी पे है। ये जो है ये मूवी रियल स्टोरी है, मतलब ये सब कुछ असल में हो चुका है। तो दोस्तों इस मूवी की कहानी कुछ ऐसी है कि अमेरिका की जो आर्मी है वो जर्मनी के अंदर बर्लिन के अंदर फंस जाती है, और वहाँ से फिर वो लोग कैसे निकलते हैं, कैसे अपने आर्मी से कम्युनिकेशन करते हैं, और वहाँ से निकलने के जो है ना वो लगे रहते हैं चाह में कि भाई हम किसी तरीके से यहाँ से निकल जाएं, और किस तरीके से जर्मन आर्मी उनके पीछे पड़ी रहती है, ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा इस मूवी के अंदर। लेकिन मूवी को देखते हुए एक चीज़ अपने माइंड में याद रखिएगा कि ये आप जो सब चीज़ें देख रहे हैं ये सब हकीकत में हो चुकी है। दोस्तों ओवरऑल अगर मेरा शॉर्ट रिव्यू आप इस मूवी के लिए लें तो मेरा रिव्यू इस मूवी के लिए पॉजिटिव है, बहुत अच्छी मूवी है। बात करें इसकी आईएमडीबी रेटिंग की तो आईएमडीबी रेटिंग इसकी 6.3 की है, यानी आईएमडीबी की नज़र में भी इसको जो रेटिंग दी गई है वो बहुत अच्छी दी गई है कि हाँ ये मूवी बहुत अच्छी है। तो दोस्तों मेरा तो रिव्यू इस मूवी को लेकर पॉजिटिव है। आपको ये मूवी कैसी लगती है मुझे कमेंट में बताइएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को अगर अभी तक भी लाइक नहीं किया तो प्लीज़ उसको लाइक भी कर दें।